नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन मेडिसिन टिभाव चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको पेंटाकाइन डीएसआर कैप्सूल का रिव्यू बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। सब्सक्राइब करते टाइम बेल का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि मेरी जो नई वीडियो आती है उसके अपडेट अब तक पहुँचती रहेंगी। दोस्तों ये जो पेंटाकाइन डीएसआर कैप्सूल मार्केट में आती है, मैनकाइंड कंपनी की आती है। 10 गोली का कैप्सूल का पैक रहता है। दोस्तों ये जो 10 गोली का कैप्सूल का पैक मार्केट में आता है, जिसकी कीमत रहती है 97 रुपये और 40 पैसे, यानी 97 रुपीज़ एंड 40 पैसा। तो पूरी जानकारी लेंगे, ये दवा क्या चीज़ के लिए चलती है, इसका यूज कैसा करना है, इसका इफेक्ट क्या है, इसका साइड इफेक्ट क्या है। सबसे पहले ये दवा डॉक्टर के सलाह के अनुसार डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर लेनी चाहिए। ये दवा आपको आपके नज़दीकी केमिस्ट के दुकान में, मेडिकल स्टोर में मिल जाएंगी। इसके कंटेंट के बारे में देखेंगे, क्या कंटेंट कंपनी ने इसके अंदर डाले हैं। दोस्तों इसके अंदर पेंटाप्राजोल 40 mg एंड डोमपेरिडॉन 30 mg, दो कंटेंट से बनी दवा है। बढ़िया कॉम्बिनेशन कंपनी ने किया है। इसके यूजेस के बारे में देखेंगे, क्या चीज़ के लिए चलती है। तो दोस्तों ये जो पेंटाकाइन डीएसआर कैप्सूल मार्केट में आती है, मेनली एसिडिटी के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों इसको एंटासिड दवा भी बोला जाता है। दोस्तों अगर आपको पेट में गड़बड़ है, पेट में गैस हो गया है, अपचन की तकलीफ है, खाना हजम नहीं हो रहा है, पेट के अंदर गैस है, कुछ हार्टबर्न यानी छाती में जलन हो रही है, कुछ एसिडिटी की तकलीफ है, एसिडिटी से जुड़ी और कुछ तकलीफ है, तो उससे छुटकारा पाने के लिए दवा दी जाती है। दोस्तों इसके साइड इफेक्ट के बारे में देखेंगे, दवा से आपको क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। दोस्तों ये दवा की वजह से आपके पेट में गड़बड़ हो सकती है और भी कुछ साइड इफेक्ट, रिएक्शन, एलर्जी आपको नजर आती है, तो आपके नज़दीकी डॉक्टर से आप मुलाकात कर सकते हैं। दोस्तों इसके डोसेज के बारे में देखेंगे, कैसा लेना है। जनरली इसको 1 टाइम इन अ डे, रोजाना एक गोली लेना है। डोसेज के लिए आप अपने डॉक्टर का भी सलाह ले सकते हैं। ऐसे ही आने वाले बहुत से प्रोडक्ट के बारे में मैं आपको जानकारी देते रहूँगा, इसलिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। Thank you for watching my video.